इलेक्शन तो बेकार है सर, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई अफसर कोई आते तो सफाई होती, नहीं तो नहीं होती। मतलब रोहतास नगर का बुरा हाल है, और रोहतास नगर से ज़्यादा जो कबूल नगर है, कबूल नगर में जाके देखो कितना बदतर हाल है। तो सुबह से ही पूरी बटालियन लग जाएगी, पूरी बटालियन लग जाएगी अगर सुबह कोई आ रहा हो सर, नहीं तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, आपके साथ मैं हूं कीर्तिका त्यागी। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास नगर की मार्केट में। तो आज हम यहां लोगों से एमसीडी के बारे में चर्चा करेंगे कि एमसीडी का व्यवहार उनके प्रति कैसा है। तो आइए यहां के लोगों से जानते हैं कि यहां एमसीडी कुछ काम कर रही है या नहीं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार नरूला है। तो विजय कुमार जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे आयोग है, अभी 25 साल हो गए। 25 साल तो ये मार्केट तब से ऐसे ही लगती है? जब से कोरोना का दौर चला जब बंद हो गई थी। अच्छा। लेकिन 90% ऐसे ही चल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ की जो एमसीडी है वो आपको यहाँ को सहायता प्रदान कराती है या नहीं? किस प्रकार की सहायता? किसी प्रकार से ले लीजिए, पानी हो गया, जो भी, मतलब ऐसी कोई सहायता नहीं है। कभी एमसीडी आई है यहाँ पे? नहीं। जहाँ आप रहते हैं इसके अलावा जहाँ आपका घर है वहाँ पे उस जगह के एरिया में कभी उन्होंने हेल्प करी है? नहीं। मतलब किस प्रकार की हेल्प? वैसे तो जो इनका जैसे रोड साफ सफाई वो तो चलती रहती हैं, वो तो गाड़ियाँ आती हैं, रोड इनकी गाड़ियाँ कूड़ा कूड़ा उठाती हैं, झाड़ू वगैरह मारती हैं। और एक्स्ट्रा कोई नहीं है, जो इनका काम रेगुलर होता है सफाई करना, कूड़ा उठाना, वो रेगुलर होता है। गाड़ियाँ दो दो तीन तीन गाड़ियाँ दो तीन टाइम आती है, सवेरे दोपहर शाम को। उस तो अलावा और किसी तरह नहीं। तो आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। क्या? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 35 साल हो गए मैडम। तो 35 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ का एमसीडी का क्या व्यवहार है? इस टाइम तो बेकार है सर, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई अफसर कोई आते तो सफाई होती, नहीं तो नहीं होती। और रोड वगैरह? रोड तो सब टूटी पड़ी है, कई जगह गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा रहता है। इलेक्शन के टाइम पे भी नहीं आता क्या? आता है उस टाइम? कोई भी नहीं आता जी। इलेक्शन के टाइम पे भी सफाई वगैरह कुछ नहीं होती? जब भी होती है थोड़ी बहुत, कोई अफसर जब भी होती नहीं तो होती नहीं है। और सड़कें वगैरह कुछ बताइए, आप यहाँ 25 साल से रह रहे हैं? सड़कें तो बस ऐसी है, टूटी है, पानी भर रहता है, जब बरसात के टाइम पानी भर जाए निकलने का रास्ता नहीं होता, पानी भर रहता है चारों तरफ। तो आपने इसके लिए कभी कंप्लेन वगैरह नहीं करा? करने वाले करते हैं, हमने भी करी, कई बार नहीं आए थे, क्या करें, कोई नहीं सुनाई नहीं है वहाँ पे, अब थोड़े पे कई बार करी आपने, कर क्या करें, पर सुनने वाला कोई नहीं है तो क्या करें। सर आपका नाम क्या है? मेरा राकेश चौहान। तो बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहता हूँ, जैसे प्रदूषण के लिए बोलते हैं ना कि प्रदूषण गाड़ियों से होता है, इससे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदूषण होता है, ये धुआं अभी निकलेगा, देखना सामने रेस्टोरेंट है, कूड़ा ये सारा पड़ा है, सब चीज़ देख लो आप, आपके सामने जाएगी। गाड़ियों का प्रदूषण इतना नहीं होता जो लोग कहते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट, यहाँ रेस्टोरेंट खाने पीने वाले बते रहे, गंदे यहीं बचा के चले जाते हैं सारे, कोई सफाई करने वाला नहीं होता है, उसी कारण प्रदूषण ज़्यादा, मच्छर हो जाते हैं। सफाई तब होती है जब कोई अफसर आता है, ठीक, जब कोई उससे पहले तो आ गए, तो आ गए, नहीं तो नहीं। सुबह एक बार आगे टूट, बहुत कम, बहुत कम आते हैं। तो सुबह से ही पूरी बटालियन लग जाएगी, पूरी बटालियन लग जाएगी अगर सुबह कोई आ रहा हो अफसर उनका, नहीं तो नहीं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ जो पार्षद है वो सिर्फ और सिर्फ तभी आते हैं जब इलेक्शन का समय होता है, उससे पहले यहाँ के पार्षद यहाँ नज़र भी नहीं आते, और ना ही इनका कहना कि ना यहाँ पे कोई सफाई हो रही है और ना कुछ काम हो रहा है। तो आइए ऐसे ही और लोगों से बात करते हैं। तो आइए अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार पांडे। तो बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे गंदगी बहुत सारी है, और देख लो आपके सारा सामने है, कोई छुपने वाली बात नहीं, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, सारा मतलब रोहतास नगर का बुरा हाल है, और रोहतास नगर से ज़्यादा जो कबूल नगर है, कबूल नगर में जाके देखो कितना बदतर हाल है। एमसीडी काम नहीं करती है? एमसीडी को जब पैसे दिल्ली सरकार देगी जब ही तो काम करेगी, जब दिल्ली सरकार सारे पैसे खा रही है तो कहाँ से काम करेगी। आप दिल्ली सरकार से नाखुश हैं? हम बिल्कुल नाखुश हैं। हाँ, तो आपने जो एमसीडी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, कभी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करने की कोशिश नहीं करी है? कंप्लेन दर्ज कराओ तो तुम जेल जाओगे। करिए कभी कोशिश, कोई ऐसा हुआ है हादसा? करी कभी? हम दूसरों को देख रहे हैं ना, जो कंप्लेन करते हैं वही पिटते हैं। तो आइए अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा बेटा नाम कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, तो बताइए आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ बेटे, हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बराबर तीन दिन चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, चेक करने आते हैं सफाई हो रही है नहीं हो रही है,
और बहुत बढ़िया। जो आपके यहाँ के पार्षद है आप उनसे खुश हैं? उनसे क्या खुश, वो तो इलाके में आते ही नहीं है, वो तो इलाके में पूछने भी नहीं आते। सफाई कौन करता है? वो है इलाके के जो इंचार्ज है, एमसीडी के कर्मचारी, वो आते हैं। इनके ऊपर हरिंदर बोस है, इनके बड़े अफसर हरिंदर जी एमसीडी में अफसर हैं, वो आते हैं बराबर चेक करके जाते हैं। बहुत बढ़िया उनका इलाका हिसाब बहुत बढ़िया रहता है। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ आगे भी और यहाँ पे कोने कोने पे बहुत ज्यादा गंदगी है। ये दोबारा बढ़िया है, तीन तीन दफा सफाई होती है, रिक्शा बकायदा आता है सफाई कूड़ा उठा के भी आता है। सफाई जो होती है वो रोज होती है, एक दो दिन छोड़ रोज, अगर कोई जो ड्यूटी में छुट्टी भी होता है दूसरा आदमी आता है वो करके। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि आधे लोग कह रहे हैं कि यहाँ सफाई हो रही है और आधे लोग कह रहे हैं सफाई नहीं हो रही है। एमजीडी अपना काम सही से कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं एमजीडी सही से नहीं कर रही है, और जो कह रहे हैं वो पता नहीं किस डर से कह रहे हैं कि यहाँ एमजीडी काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ मैं देख पा रही हूँ यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। रोडों पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सफाई हो रही है। तो आइए ऐसे और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पीछे इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है। ये जो जगह है ये मंदिर के साइड की है, ये एक सरकारी जगह है जहाँ पे लोगों ने अपना इस तरह से कब्जा बना रखा है। यहाँ लोगों को आने जाने की दिक्कतें होती हैं, एक गेट उसका वहाँ है, एक गेट वहाँ है, जो कि पूरी तरह से लॉक है। आप लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो ये जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है मंदिर की जगह पर, जो सरकारी जगह है, मंदिर के बगल में जो सरकारी जगह है उस पर यहाँ के लोगों ने कब्जा कर रखा है। और गंदगी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, निकलने आने जाने का यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जो भी यहाँ के पार्षद हैं या जो भी हैं तो इस जगह को जल्द से जल्द खाली कराएं, क्योंकि ये सरकारी जगह है और लोगों के आने जाने का रास्ता है, लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे दो गेट दिए हुए हैं, एक उधर एक इधर। इतने छोटे से रास्ते को उन्होंने अपना कब्जा डोरा जमा के यहाँ बैठ गए, और ये कोई और लोग नहीं है, आसपास रहने वाले दुकानदार ही हैं जिन्होंने मंदिर का काम करते हुए, जो लोग यहाँ मंदिर का काम करते हैं उन्होंने ही इस जगह को कब्जा लिया है। तो मैं पार्षद से यही बोलना चाहती हूँ कि इस जगह को जल्द से जल्द खाली कराएं, ताकि लोग आने जाने में जो दिक्कतें का सामना कर रहे हैं वो सामना ना करें और आसानी से निकल जाएं। क्योंकि देखते रहिए नज़र टुडे।